हमारा बस चले तो हम लोग उसको जिंदा गाड़ देवे। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। एक तरफ जहां हमारा मुल्क कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा है, सरकारें नियोजन में लगी पड़ी है, शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोरोना का ज़्यादा फैलाव ना हो, वही दूसरी तरफ हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे बदमाश किस्म के लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क में अमन शांति बनी रहे। हिंदू और मुसलमान में किस तरह से नफ़रतें पैदा की जाए, कैसे इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ाई जाए, सीमानंद जैसे आग लगाने और समाज को दो हिस्सों में बांटने वाले लोगों के खिलाफ में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर न केवल मीरा भाईंदर शहर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और लोग अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। इसके चलते मीरा भाईंदर शहर की तहरीक फरोगे इस्लाम नामक एक सामाजिक संस्था ने एक निवेदन दिया है नया नगर पुलिस थाने में। उनके लोग हमारे साथ में है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी साहब, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रज़ा खान है और मैं तहरीक फरोग इस्लाम का कौमी सदर शोबे समाजियात हूँ। और हमने यहाँ पर जो है तीन संस्थाओं के ज़रिए जो है 8 मार्च को एक FIR नरसिंहानंद सरस्वती के नाम से हमने डाला था, जिसमें बज़्म रज़ा कमेटी की तरफ से जनाब इब्राहिम रज़ा साहब हैं, सैयद इब्राहिम साहब, और दारुल इफ्ता इमाम अहमद रज़ा एंड एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मोहम्मद आसिफ रज़ा खान, मैं भी, और जो है बिलाल अहमद ख़ान के नाम से ये FIR रजिस्टर्ड हुई थी यहाँ पर नया नगर चौकी में, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। 8 मार्च को ये FIR हमने लॉन्च किया था उनकी पहली गुस्ताखी सुनने के बाद। वैसे उससे भी पहले उन्होंने किया है, लेकिन वो पहला वीडियो हमारे सामने आया था तो हमने उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर FIR दर्ज किया था और पुलिस से उनकी गिरफ़्तारी की मांग की थी, जो कि अब तक की पूरी नहीं हुई। तो दिल्ली में जो हमारा हेड ऑफिस है तहरीक फरोग इस्लाम का, 11 अप्रैल को वहाँ पर जो है कुछ एडवोकेट्स, जिसमें खसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा साहब शामिल हुए, और 100 से ज़ायद उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम ने शिरकत की और भी कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ कि अपनी बात को सही तौर पर मनवाने का अब एक ही तरीका बचा है कि जिस तरह से आज़ादी के दौर से पहले अंग्रेज़ों के पास अपनी बात मनवाने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपनी गिरफ़्तारी पेश करके जो है इस तरह की बातें मनवाते थे, तो हम अपना कानूनी राइट्स लेते हुए जो है पूरे हिंदुस्तान में तहरीक फरोग इस्लाम के ज़रिए जो है जहाँ जहाँ भी आशिकान रसूल हैं वो अपनी गिरफ़्तारी 4 मई 21 रमज़ान को 12 बजे दे करके, हम जेल में सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं जाएंगे कि हमें पुलिस उठाए और गाड़ी में भरे और 2 कदम चल करके हमें आगे उतार दे कि जेल भरो आंदोलन तुम्हारा पूरा हो गया। हमने यहाँ पर DCP साहब को जो है और SP साहब को, हमने शशिकांत भोसले साहब से हमारी मीटिंग हुई थी आज 4 दिन पहले, तो हमने उनसे कहा था कि हमारी अब तक कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि हमने जो है गाज़ियाबाद डासना में जो है आपकी FIR और पूरी यहाँ से जानकारी के साथ में हमने जो है 15 दिन पहले ही भेज दिया है, लेकिन अब तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसके लिए जो है इसके लिए हमारे पास कोई कार्रवाई करने का ज़रिया नहीं है, क्योंकि जो गुनाह जो है जहाँ पर हुआ है वहीं से इसके खिलाफ़ जो है कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमने कुछ एडवोकेट से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें और भी पहलू हैं गौर करने के लिए कि यहाँ से भी कार्रवाई की जा सकती है। तो चूँकि हमने भी पहले एडवोकेट को जो है अप्रोच नहीं किया था, इसलिए जो है हमारी गलती हुई, और हमने अभी एडवोकेट ब्रेगेंजा की थ्रू से जो है हमने एक नोटिस दिया है। SP साहब ने कहा था कि आप एक नोटिस दीजिए, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम ब्लॉक कर देंगे और उसके तमाम वीडियोस को हम डिलीट कर देंगे, जितने भी उसके नाम से अकाउंट्स चल रहे हैं वो चाहे 100 हों या 150 हों या 200 हों। उन्होंने जो है हमारे मीटिंग में ये कहा कि हम सारे अकाउंट्स को उसको जो है 4 मई से पहले ब्लॉक कर देंगे। तो हमने एक ये लेटर जो है उनको इसके लिए जो है ब्रेगेंजा एडवोकेट ब्रेगेंजा की जानिब से ये लेटर दिलवाया है कि 4 मई से पहले ये सारे जो है उसके अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं, उसके सारी गुस्ताखी वाले वीडियो जो है डिलीट किए जाएं। तो ये नोटिस हमने जो है 2 दिन पहले दिया हुआ है, SP साहब को भी दिया हुआ है और PI कैलाश बर्वे साहब को भी दिया हुआ है, और CP ऑफिस में हमने जो है ये लेटर अपनी गिरफ्तारी के लिए दिया हुआ है कि हम अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो 4 मई को 21 रमज़ान को 12 बजे दिन में हम कई लोग अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे, और जब तक कि वो शख्स गिरफ़्तार नहीं हो जाता है जो समाज में जो है असामाजिक बातें कर रहा है,
किसी धर्म गुरु के ताल्लुक से जो है उल्टी सीधे बातें कर रहा है। कानून तो ये बनना चाहिए कि किसी भी धर्म गुरु के ताल्लुक से कोई भी समाज वाला, कोई भी मजहब वाला, कोई भी कुछ भी गलत अपशब्द ना बके, ताकि जो है हिंसा ना बढ़े और यहाँ पर वायलेंस ना हो। हम ये डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। डेमोक्रेटिक मुल्क का मतलब ये है कि सारे मजहब का सम्मान होना चाहिए और सारे मजहब के जो है धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। किसी के धर्म गुरु को कोई जो है अपशब्द कह करके किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। हमारी मांग ये है कि नरसिंहानंद सरस्वती को पहली फुर्सत में गिरफ़्तार किया जाए और NSA के तहत उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसके तमाम अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए और उसके जो है बैंक अकाउंट्स को जो है वो सीज़ किया जाए। ऐसे जो है शख्स की वजह से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट्स होने के जो है चांसेस हैं। हम मरना पसंद करेंगे, कोरोना से मर जाएं हम, या हम जो है पुलिस की जो है सख्तियों से अंदर हमें कोई तकलीफ़ हो या हमें सज़ा मिले, हम उसके लिए तैयार हैं। हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि अगर हमारे नबी की इज़्ज़त सलामत नहीं है तो फिर हमारी जो है जानें भी सलामत नहीं रहेंगी। एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से इस वक्त कोरोना की महामारी फैली हुई है, प्रशासन नियोजन में लगा पड़ा है, पुलिस के पास में मैन पावर कम है, मनपा प्रशासन कहा जाए या फिर सरकार कहा जाए, शासन कहा जाए, इनके पास में मैन पावर कम पड़ता जा रहा है, ऐसे में पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आपका ये जो जेल भरो आंदोलन आप कर रहे हैं, क्या ये आपका ये ज़रूरी है, आपको लगता है उचित है? जबकि आपको चाहिए कि पुलिस प्रशासन का साथ दे, आप पुलिस का और काम बढ़ा रहे और बोझ बढ़ा रहे, क्या कहेंगे आप? जी, हम पुलिस का कोऑपरेट करते आए हैं और ये जितने भी लोग हमारे साथ खड़े हैं इनमें से कोई ना कोई राशन किट बांट रहा है, इनमें से जो है नज़ीर भाई हमारे जो है 50। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसे माहौल में जैसे आपने 4 तारीख को कहा है कि हम अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करते हैं तो आप अपनी जान भी उन पर निछावर करते हैं, हम भी करते हैं बेशक, लेकिन इस माहौल में क्या ये उचित लग रहा है आपको कि जिस तरह से कोरोना मीरा भाईंदर की अगर मैं बात करूं तो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, नियोजन भी गड़बड़ा जा रहा है, प्रशासन काम कर करके थक चुका है, इतना काम का बोझ बढ़ चुका है और आप लोग अब 4 मई को जो गिरफ्तारी देंगे, लगता नहीं कि आप उन पर भी बोझ बढ़ा रहे हैं, उन पर भी और जो एक और ज़्यादा उनको परेशानी में लाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये COVID-19 के टाइम पर उचित समय नहीं है ये करने का, लेकिन चूंकि वो शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे दिलों को रोज़ाना ठेस पहुंचा रहा है, तो जब हम अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं तो थोड़ा सा हम प्रशासन को तकलीफ़ ये देंगे कि अगर आप अपने पावर का इस्तेमाल करके ऐसे असामाजिक शख्स को जेल के अंदर नहीं डाल सकते तो फिर हम बेगुनाहों को आप अंदर कर दीजिए। और हम जो है पुलिस को परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम अपने वॉलंटियर्स रखेंगे और सारी हम सब सुविधाएँ खुद रखेंगे। जो पुलिस का काम करना है हम इंशाल्लाह खुद अपनी तरफ से वो काम करके देंगे। हम पीसफुल सोशल डिस्टेंस और COVID-19 की हर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रशासन का कोऑपरेट करते हुए करेंगे काम। बहुत बहुत शुक्रिया, हम देखेंगे 4 तारीख को आप किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, पुलिस पर किस तरह से जो है कि ये पूरा दबाव रहेगा, 4 तारीख को इस खबर का पूरा कवरेज भी हम करेंगे। इब्राहिम भाई हमारे साथ में हैं जो बज़्मे रज़ा कमेटी से आते हैं। इब्राहिम भाई क्या कहेंगे आप के जो गुस्ताखियाँ किया जा रहा है स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, क्यों उसके खिलाफ में हुकूमत या सरकारें कार्रवाई नहीं करती, क्यों ऐसे लोगों को जो है कि और ज़्यादा सर पर बिठाती है सरकारें, क्या इसके पीछे लगता है आपको, मकसद क्या होगा इनका? इसके पीछे का मकसद एक ही है कि BJP की सरकार है, पूरी दुनिया जानती है कि योगी सरकार है और योगी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, उसी से उसकी दुकान चल रही है। और अगर इसमें अगर कोई एक मुसलमान होता जो ज़रा भी कुछ गुस्ताखी करता तो अभी तक जेल में होता और NSA लग चुका होता और काफ़ी लोगों पर लगा भी है। तो योगी का सपोर्ट है, मोदी सरकार का सपोर्ट है, BJP का सपोर्ट है, बस यही बात है, इसके लिए लोग कर रहे हैं, नहीं तो इनकी ताकत नहीं है करने की। तो 4 तारीख को आपने तय कर लिया है, मन बना लिया है आपके सभी साथियों ने कि आपको यहाँ पर गिरफ्तारियाँ देनी है? 4 तारीख को हम लोग ने मन बना लिया है, इसकी वजह यह है कि जब सरकार एक शख्स को अप्रोक्स 35 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने दे रही है, तो फिर हम वो जब नहीं सोच रहा है कि भाई 35 करोड़ लोगों को परेशान कर रही है, COVID-19 का टाइम है, लोग कुछ कर नहीं सकते, तो वो करे जा रहा है और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम लोग को भी तो हक है ना कि भाई हमको तकलीफ़ है, हम लोग तो दूसरा कुछ कर नहीं रहे, हमारा बस चले तो हम लोग उसको जिंदा गाड़ देवे, मगर क्या है हम लोग हिंदुस्तान के कानून का पालन करते, उसकी इज्जत करते और उसको फॉलो करते, नहीं तो हमारे बस की बात रहे तो हमको हम लोग एक मिनट भी उसको जिंदा नहीं रहने देंगे।
यह है मीरा भाईंदर शहर के मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं के अलग अलग पदाधिकारी है, इनके दरमियान में और आम जो मुसलमान हैं उनके दरमियान में भी स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से वो जहर उगलता जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, नबी पाक करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जो गुस्सा किया जा रहा है, उसके चलते अब मुसलमान का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जैसे बदमाशों के ख़िलाफ़ में, ऐसे जहर घोलने वालों के ख़िलाफ़ में भी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उन्हें NSA कानून के तहत FIR दर्ज करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेले, तब कहीं जाकर हमारे देश का माहौल फिर एक मरतबा अमन और शांति वाला रहेगा। जो मांग अब मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही है, उस मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ में कदम उठाना चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।